ये देखो 3,000 से 4,000 RPM है, उठेगी ये देखो भाई। हेलो दोस्त, रेड एडिशन की उसमें आपने काफी सारी बातें बताई थी कि भाई इसका इंजन में ऐसी परफॉर्मेंस है वैसी परफॉर्मेंस है, तो सोचा आज आपके लिए कर देते हैं रिव्यू। निसान मैग्नेट का भाई टॉप मॉडल है मेरे पास में जो कि एक नॉन टर्बो आता है। तो फर्स्ट गियर लगाने के बाद में जो नॉर्मल ड्राइव करते हैं, देखो हल्का सा एक्सीलरेटर लेके उसके साथ में मैं इसका पिकअप लेता हूँ। अब आप सामने देखो कि कार कैसी उठ रही है, तो भाई ड्राइव में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। अगर मैं 1000 CC इंजन को ध्यान रख के बात करूँ तो वैसा पिकअप इसमें है, ये देखो बहुत अच्छा पिकअप लगा मेरे को। तो इनफैक्ट जिन लोगों को आवाज की दिक्कत है, मैं अगेन बोलूंगा वो इसे 1200 CC इंजन से कंपेयर कर रहे हैं जिन लोगों को इसकी आवाज में दिक्कत आती है, कि मैं इसको लगाऊंगा फर्स्ट गियर, ठीक है। और यहाँ RPM देखो 2000 से 3000 के बीच में रखूंगा, उसके बाद देखेंगे कितना अच्छा पिकअप इसका लॉन्च होता है, फिर आएगा मजा। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये मैंने RPM कर दिए इसके 2000 और अब आ गए 3000 और अब आ गए 4000। अब लेते हैं इसका पिकअप यहाँ से और कितनी बढ़िया उठेगी ये देखो भाई। तो भाई जिस शॉट का मजा आपने बाहर से लिया अंदर से भी दिखाता हूँ। इधर आओ, RPM बनाता हूँ देखो आपके लिए 3000 से 4000 के आसपास। और अब मैं इसको छोड़ूंगा यहाँ पे एक्सीलेटर को अच्छी स्पीड में, ठीक है। ये देखो भाई ये मजा आपको आएगा, ये पहला गियर और ये दूसरे गियर में। भाई कौन कहता है इसमें पावर नहीं है, है? ये यूट्यूबर ज्यादा सब्सक्राइबर लेके बैठ जाते हैं और फिर भाई गाड़ी को बदनाम करने लगते हैं, ठीक है भाई। ऐसा कुछ नहीं है, पावर खूब है, लेकिन भाई आप 5,99,900 रुपए और क्या ले लोगे, आपको फीचर भी सारे मिल जाए और इंजन भी आपको इसमें लेम्बोर्गिनी का लग के मिल जाए। अगर कोई CNG कार चलाता है या फिर कोई नॉर्मल पेट्रोल कार भी चलाता है ना 1000 CC इंजन की, भाई उसको ठीक लगेगी ये कार। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको कोई भ्रम में डाल रहा हो कि भाई निसान मैग्नेट में पावर नहीं है, भाई मैं खूब चला रहा हूँ मजे से, तो मेरे को तो भाई मजा आ रहा है। लेकिन हाँ, आपको चलानी आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए गाड़ी भगाते कैसे। बट हाँ, अगर आप भगाओगे तो पावर है, लेकिन अगर आप सोचोगे मुझे स्मूथ ड्राइव करनी हो फिर भी मुझे पावर मिले, मतलब कोई सोच रहे कि भाई दूसरे गियर तीसरे गियर का तो सीधा पांचवा डाल दे फिर पावर मिले स्विफ्ट जैसी, तो वो तो नहीं है। बट आपको फीचर भी तो इतने सारे दे दिए भाई साथ में, कि आपको ORVM भी मिल रहे हैं अंदर से एडजस्ट होने वाले, आपको पावर विंडो भी मिल रहे हैं, आपको सारे इतने सारे फीचर मिल रहे हैं। तो भाई वो सब चीजों का थोड़ा थोड़ा ध्यान रख के आपके लिए प्यार से निसान कंपनी ने बनाई है मैग्नाइट, जैसे कि आपको फीचर भी मिलते जाए कि मजा आ जाए ड्राइव करने का। तो अभी आपने देखा कितनी जबरदस्त पावर थी, अब देखो भाई फिर से आपको दिखाते हैं इसमें पावर कैसे खींचती है, ये देखो भाई पावर भर भर के पावर, कितनी पावर चाहिए ये बताओ मुझे पावर से चलाने वालों। अब ये कार लेनी किनको चाहिए, किसको नहीं लेनी चाहिए, लोगों का दायरा आ जाता है। जैसे कि फैमिली कार लेनी है आपको तो आप इसे ले सकते हो, आप इसमें 5 जने आराम से बैठ सकते हो। अगर आपकी पहली कार होने वाली है तो आप इसे ले सकते हो, क्योंकि आपको पहली कार में आपको कम प्राइस में बहुत सारे फीचर मिल जाते हैं, तो आप इसे ले सकते हो। अगर आप डेली ऑफिस कम्यूटर हो, आप डेली ऑफिस जाते हो, तो आप ये 2.5-3 लाख की मोटरसाइकिल लेने की जगह, ठीक है, आप क्या करो 6 लाख रुपए डालो निसान मैग्नाइट में, आप लो, आपको सर्दी गर्मी धूल धूप सबसे बचाएगी, ठीक है जी, और आपको AC का मजा भी दिलाएगी और स्टाइलिश कार तो है नो डाउट भाई, तो डेली कम्यूटर भी इसको ले सकता है। और अगर आपका ट्रैवल काफी है, आपको थोड़ा सामान वगैरह भी लेके जाना होता है, तो भी आप इसको ले सकते हो, क्योंकि इसमें आपको काफी सारा स्पेस मिल जाता है सामान रख के ले जाने के लिए, क्योंकि 336 लीटर का इसका बूट स्पेस आ जाता है। मैंने बता दिया आपको बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है इसको खरीदने के लिए। अगर कोई बंदा लेके यूं सोचे कि मैं पछता रहा हूँ, तो भाई वो उसी कैटेगरी का होगा कि जिसको जिसने चलाई ही या फिर खरीदी इसीलिए है कि भाई मुझे तो इससे रेसिंग लड़ानी है, कि मुझे तो अपने दोस्तों में ये टोरा बना रहे हैं कि मेरे पास सुपर इंजन की कार है या तेज इंजन की कार है, उसको शायद ये ना जमे। बाकी इसे कोई भी खरीद सकता है, बहुत ही मजेदार कार है, मैं तो ये कहूंगा गो फॉर इट। सो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को फॉलो करो और कमेंट बॉक्स में लिखो यस, ऐसे रिव्यू आपके लिए मैं आगे लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच।